आखिर क्यों ये माँ अपने ही बेटे को जान से मारकर खा गई? ये गरीब आदमी दिन भर शहरों में भटकता रहता था, लेकिन जब शाम हो जाती है तब वो जंगलों से होते हुए अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी अपने छोटे से बच्चे के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। अब आदमी की पत्नी जब उसे पानी लाकर देती है, तब वो पानी पीने के बाद अपनी पत्नी को 50 रुपए खर्च के लिए देकर वहाँ से चला जाता है। तब पत्नी उन पैसों को ले जाकर घर के अंदर दिए के नीचे रख देती है और अपने बेटे को उठने के लिए कहती है, और फिर माँ वहाँ से सभी बर्तनों को लेकर धोने के लिए चली जाती है। लेकिन जब बर्तन धोने के बाद माँ घर में लौटती है, तब वो देखती है कि लड़के ने उस पैसे को फाड़ दिया है। जिस बात को लेकर माँ लड़के को बहुत मारती है और खुद बैठकर रोने लगती है, क्योंकि उनके पास खर्च के लिए मात्र उतने ही पैसे थे। कुछ देर बाद बच्चा घर में खेलने लगता है और माँ पानी लाने चली जाती है, और आने के बाद माँ खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। अब रात को आदमी घर आता है और अपनी पत्नी से खाना मांगता है, लेकिन खाना नहीं मिलता। इसीलिए आदमी गुस्से में अपनी पत्नी से बोलकर बेटे को मार देता है, और आदमी अपने बेटे को खा जाता है।